8 नवंबर 2022 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो यह चंद्र ग्रहण हमारी 12 राशियों पर भी अनेक प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत कम शब्दों में हर एक राशि पर होने वाला चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि जिन जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण अशुभ बना हुआ है, उन्हें इस समय अवधि में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन यह लोग किस मंत्र का जाप करें। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि की। इसी तरह से दो अन्य वीडियो के माध्यम से बाकी बची हुई 8 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि पर अंतिम चंद्र ग्रहण 2022 का किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि के लिए नवंबर माह 2022 में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण से नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपके धन हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको किसी भी लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में लापरवाही ना करें। इस ग्रहण को शुभ करने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए साल के अंतिम चंद्र ग्रहण नवंबर 2022 का मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में आपको धन प्राप्ति के योग बनने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग हो सकती है। वहीं जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय अवधि में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इस ग्रहण को शुभ करने के लिए ओम द्रांग द्रीं द्रोंग सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए नवंबर 2022 में पड़ने वाले अंतिम चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ होने जा रहा है। आपको इस समय अवधि में धन प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह ग्रहण आपके लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बनाने जा रहा है। अगर आपने किसी को उधार दिया था या कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, तो वह रुका हुआ धन भी आपका वापस हो सकता है। जो जातक नौकरी की तलाश में थे, उन्हें भी इस ग्रहण के प्रभाव से अच्छी नौकरी मिल सकती है, और नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति के योग बनने जा रहे हैं। इस ग्रहण को और अधिक शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं आज की अंतिम राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए नवंबर 2022 में पड़ने वाला अंतिम चंद्र ग्रहण का प्रभाव परेशानियों भरा रह सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यवसाय करते हो, आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्थितियां आपकी विपरीत बन सकती है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है, तो आप स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। इस ग्रहण के प्रभाव को शुभ करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का ग्रहण के दिन जाप करें। तो यह था मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर नवंबर 2022 में पड़ने वाले अंतिम चंद्र ग्रहण का प्रभाव। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।